गुड मॉर्निंग सबों को, इशू शाह है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आइए इस ऑनलाइन सैनिक स्कूल को शुरू करने से पहले हम एक प्रार्थना करते हैं। सभी अपने अपने आँखों को बंद करेंगे और पिता ईश्वर से अपने लिए प्रार्थना करेंगे। हे जीवित सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता आज के इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर आपने हमें दिया है, पिता परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर हर एक चीज़ों में। पिता परमेश्वर आप ही की अगुवाई होने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता आपके बिना पिता हम एक कदम भी नहीं चल पाते हैं। पिता एक कदम चलते हैं पिता और लाखों गुना दोष पाप किया करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर आप हमारी रक्षा रखवाली कीजिए पिता परमेश्वर। और पिता इस वीडियो को पिता परमेश्वर जो भी देख रहे हैं पिता परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष कर पिता परमेश्वर, ताकि आने वाले समय में पिता परमेश्वर वे अच्छे मार्ग में चलने वाले होने पाए पिता परमेश्वर, आप ही के द्वारा होने पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर अभी इस संडे स्कूल में पिता परमेश्वर हम जो भी गीत गाएंगे पिता, जो भी वचन को सुनेंगे पिता परमेश्वर, उन सभी चीज़ों में पिता परमेश्वर आप ही की बहुतायत से आशीष होने पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर उन सभी दादा दीदियों को के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो इस संडे स्कूल में हमें पढ़ाते हैं पिता परमेश्वर, उन दीदी और भैया के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी बजाते हैं पिता परमेश्वर, जो भी भैया पिता उनको भी पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हर एक पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे पिता परमेश्वर, हर एक चीज़ों के लिए पिता परमेश्वर आप ही का नाम ले लेकर मांगते हैं पिता परमेश्वर। हर एक चीज़ों में पिता परमेश्वर आप ही की अगुवाई को दीजिए पिता परमेश्वर। और पिछले सप्ताह पिता आपने हमें संभाला है पिता परमेश्वर, वैसे ही पिता परमेश्वर आने वाले समय में पिता परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करिए पिता परमेश्वर, आप ही की अगुवाई होने पाए पिता परमेश्वर हमारे हर एक काम में पिता परमेश्वर। जो भी पिता हमारे मनों को पिता परमेश्वर, जो भी भड़काने वाली चीज़ें पिता परमेश्वर, जो भी बुरी आत्माएं पिता परमेश्वर, उन सभी चीज़ों को यीशु मसीह के नाम से दूर कर पिता परमेश्वर। और हाँ पिता परमेश्वर क्या मांगे ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग के राज्य में दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आइए इस ऑनलाइन संडे स्कूल को शुरू करते हुए हम एक गीत को गाएंगे जिसके बोल हैं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। कबूल करता हूँ
आइए हम अपने महापवित्र विश्वास दर्पण को मान लेकर के एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करती हूं परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आज का स्मरण वचन है नीति वचन 4:5। नीति वचन 4:5। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। आमीन। क्या आप सबों ने यह वचन याद कर लिया? मैं आशा करती हूँ कि आप सबों ने याद कर लिया होगा, और जिन्होंने नहीं याद किया है वे जरूर से याद कर ले, क्योंकि अगले संडे आप सबों को पूछा जाएगा। और जिन्होंने पिछले संडे का वचन सबसे पहले कमेंट किया था, उनका नाम है प्यारी सांगा और शीतल रुंडा, धन्यवाद। आइए अब हम एक कहानी को सुनते हैं। पतरस का पानी पर चलना। यह पतरस है। पतरस एक मछुआरा था जिसे यीशु ने अपने पीछे चलने के लिए बुलाया था। पतरस ने यीशु मसीह के अनेक आश्चर्य कर्मों को देखा था और उसके सभी उपदेशों को सुना था। यीशु मसीह जहाँ भी जाते बहुत सारे लोग उसके पीछे हो लेते थे। एक दिन ऐसे ही आश्चर्य कर्म करने के बाद यीशु मसीह ने अपने चेलों को नाव पर चढ़कर झील के पार जाने को कहा और वह लोगों को विदा करने के लिए रुक गए।
लोगों के जाने के बाद वह एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चले गए। उसी समय नाव झील के बीचों बीच डगमगाने लगी क्योंकि हवाएं बहुत तेज थी। यीशु रात के लगभग 3 बजे झील पर चलते हुए उनके पास आया। जब चेलों ने उसे झील पर चलते हुए देखा तो वे घबरा गए और डर के मारे चिल्लाने लगे, यह भूत है। तब यीशु ने उनसे बातें की और कहा, डरो मत, हिम्मत रखो, मैं हूँ। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। तब यीशु ने कहा, आ। तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, लेकिन जब उसने हवाओं और लहरों को देखा तो वह डर गया और डूबने लगा। तब उसने चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत उसे थाम लिया और कहा, तुम्हारे अंदर विश्वास की कमी है, तुमने क्यों संदेह किया? फिर जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवाएं रुक गई। तब चेलों ने झुककर कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आइए अब हम वचनों की तरफ बढ़ते हैं। आप सबों को यीशु सहाय। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी प्रभु की दया से अच्छे और सुरक्षित हैं, और यह बहुत खुशी की बात है कि इस लॉकडाउन में भी आप सभी परमेश्वर की संगति में बने हुए हैं और उसके वचनों में आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग आज का वचन सुने जो हमें मिलता है पुराने नियम में, गिनती की पुस्तक उसका अध्याय 13 और 14। गिनती की पुस्तक उसका अध्याय 13 और 14। यह हम लोग कनान देश में भेदियों के बारे में देखते हैं। अगर हम लोग इसकी बैक स्टोरी को देखें तो हमने संडे स्कूल में सीखा है कि मूसा के बारे में, कि किस प्रकार परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इसराइलियों को मिस्र में फिरौन राजा की गुलामी से छुड़ाया और उन्हें एक ऐसा देश देने की प्रतिज्ञा की जहां दूध और मधु की धारा बहती है, यानी कि कनान देश। तो जब मूसा और इसराइली कनान देश के पास पहुँच चुके थे तो उसके बाद की घटना के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि जब मूसा और इसराइली कनान देश के पास पहुंच चुके थे तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जिस देश को मैं इसराइलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए कुछ पुरुषों को भेज। तब मूसा 12 पुरुषों को कनान देश का भेद लेने के लिए भेज देता है और उन्हें भेजते वक्त उनसे कहता है कि जाओ जाकर उस देश को देख लो कि वह कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे कैसे हैं, क्या वे बलवान हैं या निर्बल हैं, थोड़े हैं या बहुत हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, वे लोग कैसी कैसी बस्तियों में रहते हैं, क्या वे लोग तंबुओं में रहते हैं या किलों में रहते हैं, वहाँ का देश उपजाऊ है या बंजर है और उसमें वृक्ष है या नहीं, और लास्टली उनसे यह करके उन्हें भेजता है कि वहाँ की उपज में से भी कुछ लेते आना। तब 40 दिनों के बाद जब ये 12 बेदी उस कनान देश का भेद लेकर वापस आए तब इन्होंने मूसा, हारून और इसराइलियों की सारी मंडली के सामने में संदेश दिया और उन्होंने उन सारे फलों को दिखाया जो वे अपने साथ उस कनान देश से लेकर के आए थे और कहा कि सचमुच में जैसा परमेश्वर ने कहा था उस देश में दूध और मधु की धारा बहती है, वहाँ का देश बहुत ही उपजाऊ है लेकिन वहाँ के लोग बहुत ही बलवान हैं, वे लोग बड़े बड़े नगर में रहते हैं, गढ़ में रहते हैं, किलों में रहते हैं, वे लोग बहुत ताकतवर हैं, वे लोग इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि वे तो हमें मार डालेंगे, हम तो उस देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगर हम इन भेदियों को देखें तो उस वक्त इन भेदियों ने कनान देश को मजबूत देखा, वहाँ के लोगों को मजबूत देखा और वे उस परमेश्वर पर विश्वास करना भूल गए जिसने उन्हें मिस्र में से छुड़ाया, जिसने उनके लिए लाल समुद्र को 2 भाग में बांट दिया, जो आग और बादल का खंभा बन के उनके साथ रहा, जिसने उनके लिए अनेक आश्चर्य कर्मों को किया। उस वक्त इन भेदियों ने वहाँ की परिस्थितियों को देखा, वहाँ के लोगों को देखा और वे लोग परमेश्वर पर विश्वास करना भूल गए, वे लोग डर गए।
घबरा गए और अपने मन में सोचा कि हम तो इस देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन 12 भेदियों में 2 भेदी थे, कालेब और यहोशु। इन दोनों के पास भी वही एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ के लोग बहुत ही ताकतवर हैं, वे लोग बहुत बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े नगरों में रहते हैं, बड़े बड़े किलों में रहते हैं। लेकिन इन दोनों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। कालेब ने लोगों से कहा कि चलो अभी ही हम उस देश में चढ़ाई करके उस देश को अपना कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा करने की शक्ति हम में है। उसने विश्वास किया कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने उन्हें मिस्र में से छुड़ाया है वह उनके साथ है, और वही उन्हें इन बड़े बड़े लोगों पर भी विजय देगा। कालेब ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया कि यदि परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा किया है कि वह उस देश को हमें देगा तो वह देगा, क्योंकि वो वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हम लोग आगे देखते हैं कि कालेब की इन बातों के बावजूद उन 10 भेदियों ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, और उन्होंने कहा कि वे लोग इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि हम तो उस देश में चढ़ाई करने की भी शक्ति नहीं रखते हैं, हम तो उनके सामने टिड्डियों के समान है। और आगे जब हम लोग गिनती 14 में देखते हैं कि बाकी इसराइलियों ने भी इन 10 भेदियों की बातों में आकर रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। वे लोग मूसा और हारून के ऊपर कुड़कुड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि भला होता कि हम लोग मिस्र में ही मर जाते या जंगल में ही मर जाते, परमेश्वर तो हमें इस देश में क्या मरवाने के लिए लेकर के आया है। तो हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार बाकी इसराइली भी परमेश्वर पर विश्वास ना कर सके, और यही रीज़न है कि इसराइली लोग कनान देश को पहुँचते हुए भी पहुँच ना सके और 40 सालों तक जंगलों में भटकते रहे। जब हम लोग यहोशू की पुस्तक में देखते हैं कि यहरियो की वह मजबूत दीवार सिर्फ लोगों की नरसिंगे और जय जयकार से गिर जाती है, परमेश्वर भी उन्हें वही दिखाना चाहता था। कनान देश को मजबूत दिखाकर, वहाँ के लोगों को मजबूत दिखाकर परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि उसके लोग इन परिस्थितियों को देखकर घबरा जाए। वह चाहता था कि उसके लोग उस पर विश्वास करें, उसकी सामर्थ पर विश्वास करें। परमेश्वर ने उनके लिए बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को किया, लेकिन फिर भी वे परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास नहीं कर सके। आज हम लोग के जीवन में भी ऐसी परिस्थितियाँ आती है, हमने भी परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखा है, उसकी गवाहियों को हम सुनते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, बीमारी आती है, तो हम भी उन परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते हैं। हम लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता तो हम लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम लोग विश्वास नहीं रख पाते कि हमारा परमेश्वर हमारी इन परिस्थितियों को बदल देगा, वो हमारे दुखों को उस आनंद में बदल देगा। उस वक्त हम लोगों को वह बीमारी, वह दुख, वह तकलीफ ही ज़्यादा बड़ी लगने लगती है, पर हमें खुद को याद दिलाना है कि हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह इन सारी बीमारियों से, इन सारी परिस्थितियों से बढ़कर है। जब हम लोग नया नियम में लाजर के बारे में देखते हैं कि लाजर जब बहुत ही बीमार हो गया था, वह मरने पर था, तब उसकी बहनों ने यीशु मसीह के पास कहला भेजा कि लाजर बहुत ही बीमार है। तब यीशु मसीह ने एक बहुत ही सुंदर बात वहाँ पे कही कि यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। कितना इंकरेजिंग बात यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा कि हमारे जीवन में यदि दुख आए, तकलीफ आए, बीमारियाँ आए, तो हमें उनसे घबराना नहीं है, क्योंकि वे तो आएंगी ही, लेकिन ये बीमारी, ये दुख हमारी हानि के लिए नहीं, वरन परमेश्वर की महिमा के लिए है, यीशु मसीह की महिमा के लिए है। तो आप सभी इन बातों को ज़रूर याद रखें। आगे हम लोग देखते हैं कि यदि उस वक्त भी इसराइलियों ने उन परिस्थितियों को नहीं देखा होता और परमेश्वर पर विश्वास रखते, तो शायद वे उस कनान देश को, उस प्रतिज्ञा देश को पहुँच जाते और उन सारी आशीषों को पा लेते जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी थी, और उन्हें 40 सालों तक जंगलों में भटकना नहीं पड़ता। लेकिन जितने लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उसकी सामर्थ पर विश्वास नहीं किया, उनमें से कोई भी उस प्रतिज्ञा देश में प्रवेश नहीं कर सके, वे सभी जंगलों में मर मिटे। परंतु कालेब और यहोशू को परमेश्वर ने उनके विश्वास का बड़ा प्रतिफल दिया। यहोशू ही मूसा के बाद आगे चलकर इसराइलियों का नया अगुवा बना, और
कालेब को परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा देश का अधिकारी बनाया। हमें भी ज़रूरत है कि हम भी परमेश्वर पर अपने विश्वास को दिखाएं। तो आज हमें भी ज़रूरत है कि हम परमेश्वर पर पूर्ण रूप से विश्वास करना सीखें, चाहे हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। और हमें विश्वास रखना है कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए आश्चर्य कर्मों को करेगा, वह हमारे आगे आगे चलेगा, हमारे कामों को सफल करेगा। और यदि हम ऐसा विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर भी हमारे लिए वैसा ही करेगा, क्योंकि मत्ती 8:13 में वचन कहता है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए है। जो व्यक्ति यह सोचेगा कि मैं तो इतना प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन मेरे जीवन में या परेशानियाँ वैसा का वैसा ही है, और वो विश्वास नहीं रखेगा कि परमेश्वर उसके लिए परेशानियों को दूर कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में परेशानियाँ रहेंगी। क्योंकि इब्रानियों 11:6 वचन कहता है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो यदि हम भी परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, उसे इम्प्रेस करना चाहते हैं, उसकी आशीषों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो हमें भी अपने विश्वास को दिखाना होगा। तो आज हमें 10 भेदियों से सीखना है कि क्या हम उन 10 भेदियों के समान बने रहना चाहते हैं, कि परमेश्वर की आश्चर्य कर्मों को देखते हुए भी जब हमारे जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, बीमारियां आए, तो क्या हम उन परिस्थितियों को देखकर घबरा जाए, डर जाए और परमेश्वर पर विश्वास ना रखें, तो हम भी उन सारी आशीषों से वंचित हो जाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। पर यदि हम उन 2 भेदियों के समान बने कि चाहे हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हम परमेश्वर पर विश्वास रखना, यीशु मसीह पर विश्वास रखना ना छोड़ेंगे, और यदि हम ऐसा विश्वास रखेंगे तो वह हमें हमारी हर परिस्थितियों को फेस करने की शक्ति देगा, वह हमारे शत्रुओं पर हमें विजय देगा, वह कभी हमें गिरने नहीं देगा, और भी ऐसी अनेक आशीषों को वह हमारे जीवन में देगा जो कभी हमने सोचा भी नहीं है। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम भी विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़ें। प्रभु आप सबों को इस वचन पर आशीष दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र पवित्र सेनाओं के पिता परमेश्वर, पिता इस घड़ी आपके चरणों के निकट आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम आपके वचन को सीखने पाए, आपके वचनों की भेद भरी बातों को समझने पाए। पिता धन्यवाद कि आपने अपनी पवित्र आत्मा से हमारी अगुवाई किया और अपने वचनों को हमें दिखाया, सिखाया। धन्यवाद हो पिता इन सारी आशीषों के लिए। पिता प्रार्थना करते हैं जब आज की हमने कालेब और यहोशू के बारे में सीखा, उनके विश्वास को देखा, पिता होने दे कि हमारा भी विश्वास उनकी तरह होने पाए, कि हमारे जीवन में जो कुछ भी तकलीफ आए, बीमारियां आए, तो हम उनको देख कर घबराए नहीं, और अपना अपनी आशा और अपने विश्वास को पिता हमेशा तुझ पर लगाने पाए, ताकि हम भी पिता उन आशीषों को ग्रहण करने पाए अपने जीवन में जो आपने हम सभी के लिए रखा है। प्रभु जी होने दे कि इसी आशा और विश्वास के साथ हम हमेशा तुझ में बने रहें। सभी बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं और इस विनती को तेरे बेटे यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। सुन और स्वराज पर अनुग्रह से ग्रहण कर ले। आमीन। एक बार फिर से सबों को यीशु सहाय। इस मंथ अगस्त में जिनका बर्थडे हो चुका या फिर आने वाला है, आप अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना रीसेंट फोटो और बचपन का एक फोटो को दिए गए व्हाट्सएप नंबर में भेज दें। हम इस मंथ के आखिरी संडे में उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और उनके लिए दुआ करेंगे। तो याद रखिए आपको क्या क्या जानकारियाँ भेजना है। अपना नाम भेजना है, अपना डेट ऑफ बर्थ भेजना है, अपना रीसेंट फोटो भेजना है एक ठो, और अपना बचपन का एक फोटो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। और ये जानकारियाँ आपको 26 अगस्त से पहले भेजना है। धन्यवाद। आप सबों को मेरी ओर से यीशु सहाय। होलुंडु टीवी में बहुत दिनों के बाद आप सबों का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं और जैसा हमने आपसे वादा किया था, उस वादे को पूरा करने के लिए आज हम आपके सामने हाजिर हैं। चलते हैं आज के इस शो में जिसका नाम है दिल की बात। आज के दिल की बात में हम लोग एक नए टॉपिक पे
बात करेंगे और इस टॉपिक का नाम थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन आइए हम लोग आज आपको मिलाना चाहेंगे कि हमारे शो में आज की मेहमान कौन है, कौन हो सकते हैं। आप अनुमान लगाइए, जानी मानी हस्ती, चेहरे, हो सकता है आपने कभी उसे देखा भी होगा या फिर नहीं भी देखा होगा। चलिए आपको मिलाते हैं आज के मेहमान से। आज के हमारे मेहमान है ज्योति। ज्योति, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में, और हम काफी खुश हैं, और लोग, मुझे लगता है कुछ लोग आपको जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर के? सबसे पहले तो रुद्र टीवी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया, और मैं यहाँ पर आकर बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ कि आप लोगों के सम्मुख में अपनी बातों को रखने का मौका मिला है। जी, मैं आशा करता हूँ कि आज का जो टॉपिक होगा उस पर आप एक अच्छा निचोड़ लोगों के सामने रखेंगे, क्योंकि बच्चे लाइव हो चुके हैं और वो हमें देख रहे हैं और सुनना चाहते हैं कि आखिर वो दिल की बात है क्या। चलिए, समय को ना गवाते हुए हम लोग बढ़ते हैं आज के पॉइंट की ओर, जिसका नाम था कि आज ये संडे स्कूल आखिर किन के लिए है। तो हम इनसे बात करने के बजाय सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने संवाददाता गुलशन के पास, जो ग्राउंड रिपोर्ट हमें लाइव देंगे और बताएंगे लोगों से कि उनका विचार क्या है और वो क्या कहते हैं संडे स्कूल आखिर किन के लिए है। चलिए हम लोग लाइव जुड़ते हैं अपने संवाददाता गुलशन के साथ। जी प्रकाश, यहाँ का अपडेट देता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि इस समय हम एक बाजार में हैं, बाजार की भीड़ में हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह बाजार लगी है इस पैंडेमिक के समय में। हम सुबह में हम बाजार करते हैं, जैसे कि सरकार ने हमें कहा है कि सुबह हर एक बाजार को सुबह करना है। और इस समय आइए हम कुछ लोगों से हम मिलते हैं, उनसे हम जानते हैं कि वे संडे स्कूल के बारे में क्या राय देते हैं। आइए चलते हैं। एक्सक्यूज मी भैया। हाँ बोलिए। आपसे 2 मिनट चाहिए था, क्या आप दे सकते हैं? हाँ जरूर जी। सबसे पहले तो आप मास्क लगाइए, आपको पता नहीं है इस पैंडेमिक में आपको मास्क लगाना है। आप जैसे नौजवान लोग नहीं मास्क लगाएंगे तो आपको क्या फायदा आपका पढ़ाई लिखाई का? ये आपके भलाई के लिए नहीं है, जनता की भलाई के लिए है मास्क पहनना। अच्छा ठीक है, अब मास्क लगा लिए। चलिए, हम जानना चाहते हैं कि आप संडे स्कूल जाते हैं? संडे स्कूल तो मैं कभी गया नहीं हूँ, अगर मैं जाता तो। अच्छा नहीं जाते हैं ना। अच्छा, ये दूसरी बात ये बताइए कि संडे स्कूल किन के लिए है? मैं तो वहाँ पर सुना हूँ कि संडे स्कूल में सिर्फ नाचना गाना होता है, तो मेरे ख्याल से वैसे लोगों के लिए जिन लोगों को नाचना और गाना से पसंद है। अच्छा। मतलब कि हम नौजवानों के लिए संडे स्कूल नहीं है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। आपके पास समय है? हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है, हम आपका विचार जानना चाहते हैं कि संडे स्कूल किसके लिए है? संडे स्कूल बोलने से तो बच्चों के लिए, यूथ के लिए। यूथ के लिए? हाँ। अच्छा, तो आप संडे स्कूल जाते हैं? हाँ पहले जाते थे, बचपन में जब स्कूल में थे समय जाते थे, लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि कंपटीशन की तैयारी, नौकरी अभी बहुत जरूरी है, नौकरी सबका भी, इसीलिए नौकरी सबका अभी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए समय नहीं मिल पाता है। अच्छा, यही कारण है आपका कि कंपटीशन का तैयारी करते हैं इसलिए? हाँ वही कारण है, कंपटीशन तैयारी करते हैं, दिन हफ्ते भर जाते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं और सब उसी में बिजी हो जाते हैं, और संडे को एक ही दिन टाइम मिलता है हमको, वही कपड़े वपड़े धोते हैं। जाने का तो मन करता है लेकिन वही टाइम नहीं मिलता, एक दिन आराम करने का समय है इसलिए। ठीक है, आपसे धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ठीक सर, हम लोग हलुंडू टीवी की ओर से हैं, हम लोग आपका विचार जानना चाहते हैं कि संडे स्कूल किन के लिए हैं? जी मेरे अनुसार तो यह कहना है कि संडे स्कूल बच्चे, बड़ों, सबके लिए है, लेकिन ज़्यादातर संडे स्कूल बच्चों के लिए है, उन्हीं को जाना चाहिए। अच्छा, बच्चों के लिए है। जी तो आप संडे स्कूल जाते हैं? जी मैंने कोशिश की थी एक बार जाने की, उसके बाद से अब मैं नहीं जाता। अच्छा, क्या कारण है? जी कारण यह है कि जब मैं एक बार कोशिश किया था जाने की पहली बार, तो मैं पहली बार गया था और मुझे वहाँ पर प्रार्थना करने को कहा गया, तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाया, और उसके बाद से मुझे संडे स्कूल जाने से शर्म लगती है, और बचपन से मुझे माँ बाप ने ऐसा प्रोत्साहित नहीं किया कि संडे स्कूल जाओ और ऐसे कार्य में सहभागी हो, इसलिए मैं नहीं जाता। अच्छा कोई बात नहीं, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा, संडे स्कूल किन के लिए है? यूथ और बच्चों के लिए है। यूथ और बच्चों के लिए है। हाँ। क्या आप संडे स्कूल जाते हैं? नहीं मैं नहीं जाती। नहीं जाते हैं? नहीं। अच्छा क्या कारण है?
पहले दिन तो बहुत अच्छा लगा था, लेकिन दो तीन दिन देखा सब अपने अपने ग्रुप में और मुझे किसी ने शामिल नहीं किया इसलिए। अच्छा, आप अकेले पढ़ जाते हैं, मतलब कोई शामिल नहीं करते हैं नए मेंबर को, ये आप बोलना चाहते हैं? अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। भैया मैं होलुंडे संडे स्कूल से हूँ, मुझे आपसे जानना है कि आपका विचार जानना है कि संडे स्कूल किन के लिए है, कौन जाते हैं? तो संडे स्कूल तो बच्चे लोग जाते हैं और यूथ लोग जाते हैं संडे स्कूल में। अच्छा, तो आप जाते हैं संडे स्कूल? जी नहीं, मैं नहीं जाता। नहीं जाते? अच्छा, क्यों नहीं जाते हैं? असल में क्या है कि संडे में मैं लेट से उठता हूँ और पूरे पूरे सप्ताह भर तो कॉलेज जाता हूँ और कहीं कहीं काम हो जाता है, तो संडे ही एक ऐसा दिन रहता है उस वही आराम करने का दिन रहता है, तो लेट से उठता हूँ इसलिए संडे स्कूल नहीं जा पाता। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। मैम, आपके पास समय है, आपसे थोड़ा बातचीत करना है। हाँ ठीक है। हम लोग होलुंडे टीवी से हैं और मैं हूँ रिपोर्टर गुलशन, और क्या आप जानते हैं, आपका विचार हम जानना चाहते हैं कि संडे स्कूल किन के लिए है? मेरे हिसाब से संडे स्कूल अगर स्पेशली देखा जाए तो ये बच्चों के लिए है, और जहाँ तक मेरा विचार है ये सिर्फ जैसे सारे लोग सोचते हैं कि बच्चों के लिए है, लेकिन प्रभु में सारे जवान हैं, सारे बच्चे हैं, सारे लोगों के लिए जो इंटरेस्ट रखते हैं सारे संडे स्कूल आ सकते हैं। अच्छा, क्या आप संडे स्कूल जाते हैं? जी हाँ, मैं जाती हूँ, और मैं संडे स्कूल में जब भी मुझसे बन पड़ता है, टाइम होता है, मैं जाती हूँ संडे स्कूल में। मैं बच्चों को परमेश्वर के वचन को शेयर भी करती हूँ। अच्छा, ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। हाँ, थैंक यू। और लेकिन ये आप लोग जो कर रहे हैं ना, मैं मतलब बहुत इम्प्रेस हूँ। मैं हमेशा होलुंडो संडे स्कूल का जो ऑनलाइन आता है मैं हर संडे से देखती हूँ, और इसमें हर मतलब मैं स्पेशली थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि हर संडे जो आप लोग कर रहे हैं कुछ नया ला रहे हैं, और जब से ये होलुंडो टीवी आया है कई सारी चीज़ों को आपने इसमें ऐड किया है, और वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। जैसे काफ़ी लोग से सुनने को भी मिलता है कि यहाँ के लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, इनका प्रयास काफ़ी अच्छा है, और देखा जाए तो बहुत कुछ आपने इसमें शामिल किया है जो काबिले तारीफ है। मैं पूरी होलुंडो टीम को थैंक यू कहना चाहती हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें हमारा मनोबल बढ़ाया, मोटिवेट किया, तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। ज्योति, देखिए, हमने अब तक लाइव रिपोर्ट में देखा कि आखिर कुछ लोग अलग अलग अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि संडे स्कूल आखिर किन के लिए है। कुछ लोगों ने कहा बच्चों के लिए है, कुछ लोगों ने कहा सबके लिए है। चलिए ठीक है, हम लोग मान लेते हैं सबके लिए, लेकिन बच्चों के लिए क्या इफेक्ट होता है? यदि बच्चों के लिए वो है तो क्यों क्यों जरूरी है बच्चों के लिए, आप बताइए। जी, बच्चों के लिए संडे स्कूल बहुत ही जरूरी है, और ये संडे स्कूल उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे छोटे बच्चे अपने बाल्यावस्था से ही संडे स्कूल आने लगते हैं तो वो बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, जैसे कि अपने प्रतिभाओं को सामने रख पाते हैं दूसरों के सामने, और भी बहुत सारे कुछ, जैसे यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज होती हैं तो उनमें भाग लेकर वो अपने टैलेंट को पहचान पाते हैं, और भी दूसरों से कैसा व्यवहार करना है या दूसरों की मदद कैसे करना है, वो सभी बातों को, नैतिक बातों को, सामाजिक बातों को यहाँ पे सीखते हैं। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात आपने कही कि लोग जो बच्चे होते हैं वो नैतिक बातों को सीखते हैं, क्योंकि उनका बेस ही स्ट्रांग होता है संडे स्कूल से। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है सिर्फ बच्चों के लिए है, क्या जवानों के लिए नहीं है? कुछ लोगों ने कहा जवानों के लिए है, कुछ लोगों ने कहा नहीं भी है, तो मैं आपकी क्या राय है कि जवान के लिए है तो क्यों है, आखिर क्या फायदा होता है संडे स्कूल जाने से जवानों के लिए, बताइए। देखिए, मेरा विचार तो ये है कि जो संडे स्कूल है वो चर्च का ही एक भाग है, और इसमें सबकी सहभागिता एक महत्वपूर्ण होती है, छोटे बच्चों की, जवानों की, बड़ों की, माता पिता, बड़े बुजुर्गों की, क्योंकि हर एक स्टेज के उम्र के जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके यहाँ पे भूमिका अलग अलग होती है। जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको सिखाने के लिए बड़ों की आवश्यकता होती है, उनसे जवान हैं तो उनको सिखाने के लिए माता पिता की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार से हम लोग देख पाते हैं कि संडे स्कूल में सबकी भूमिका अलग अलग होती है। तो जैसा आपने कहा कि जवानों की यहाँ पे क्या भूमिका होती है, तो जवानों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं
कि युवा जो होते हैं वे देश की बैकबोन होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं जी। तो उनमें बहुत जोश होता है, गर्म खून होता है, बहुत सारी चीजें वो प्रॉपरली कर पाते हैं। तो यहाँ पे एक संडे स्कूल एक संस्था के रूप में है जिसमें हम लोग बहुत सारे कामों को करना पड़ता है। तो जब यहाँ युवा आते हैं तो वो बहुत सारे कामों को अच्छे तरीके से कर पाते हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उनको बहुत सारी चीजों को सीखने के लिए मौका मिलता है। जॉब के फील्ड में अपना यदि मैरिड लाइफ के बाद में जो उनका जीवन होगा उसमें उनका क्या क्या फायदा होगा, उनको कुछ बताइए जी। यहाँ पे उनको अपने उत्तरदायित्वों को समझने का मौका मिलता है, जैसे यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिलता है। तो यहाँ पे बहुत बार ऐसे अवसर आते हैं जब उनको बहुत सारे कामों को दिया जाता है, जैसे बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं, एक्टिविटीज कराए जाते हैं, तो उनमें उनको अपने उत्तरदायित्वों को समझने का मौका मिलता है। और यहाँ पे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि यहाँ पे अपने अपने आप को खोल पाते हैं और फ्यूचर के लिए भी तैयारी कर पाते हैं। जैसे कि अगर यूथ आ रहे हैं यहाँ पर तो दूसरे यूथ भी आ रहे हैं, तो आपस में मिलकर दोस्त बनकर करियर के बारे में बातों को कर सकते हैं और फ्यूचर में आने वाले बहुत सारे जो चुनौतियां होती हैं उनके विषय में भी बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा माहौल भी मिल जाता है उनको अपनी बातों को रखने का और समझने का। जी बहुत बढ़िया, क्योंकि अभी के जैसे जनरेशन में लोग भीड़ को फेस नहीं कर पाते हैं कि हम कैसे माइक लेकर के सामने में हम बोले, तो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। ये भी एक चीज मैंने अपने रिपोर्ट में अब तक में देखा कि आखिर ऐसा क्या बात है सेंट स्कूल में कि जवान लोग आखिर इतने उत्साहित होकर के लोग इसमें भाग लेते हैं और उनका जो बोलने का तरीका, बात करने का, लोगों को डील करना, ये काफी अच्छा मतलब डेवलप हो जाता है। और आज तो हम लोग भी जवान हैं और यदि हमारे भी कल को परिवार होगा तो हम लोग भी अपने बच्चों को कैसे सिखाते हैं और सपोर्ट करते हैं। चलिए बात रही जवानों तक, अब माता पिता का इसमें क्या रोल रहता है? हम लोग कुछ और एक दो सवाल है, आपको लगा होगा कितने सवाल कर रहे हैं, लोग जानना भी तो चाहते हैं, दिल की बात है भाई, दिल की बात तो निकालना तो जरूरी है ना। आप बताइए कि माता पिता का इसमें क्या रोल रहता है संडे स्कूल जी? यहाँ पे माता पिता का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, प्रत्यक्ष रूप से भी अप्रत्यक्ष रूप से भी। प्रत्यक्ष रूप से हम लोग बात करें, प्रत्यक्ष मतलब आप लोग समझ रहे होंगे डायरेक्टली ना, तो प्रत्यक्ष रूप से माता पिता का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान रहता है। जब वो खुद संडे स्कूल में आकर बहुत सारे अपनी भूमिकाओं को निभा सकते हैं, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं यहाँ पे संडे स्कूल में उनके लिए। यहाँ पर आकर वे क्योंकि वे बड़े माता पिता होते हैं, हमसे सीनियर होते हैं, बड़े होते हैं, और उनको अच्छा खासा नॉलेज रहता है, उनको जीवन का अनुभव रहता है, तो वे अपने अनुभवों से, अपने ज्ञान से हम सबों को, जो कि हम लोग सीनियर है और टीचर भी हैं, उन लोगों के अपने बातों से, अपने नॉलेज से और अपने जो भी अनुभव है उनसे हम सबों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो माता पिता का जो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब कि वो यहाँ पे उपस्थित ना होकर वे किस तरह से संडे स्कूल में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। वे अपने घर में रहकर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेज सकते हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। तो इस प्रकार से माता पिता का अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि गार्जियन आप लोग भी जब सुन रहे होंगे इनकी बातों को तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका भी क्या रोल है। आप लोग जानते हैं कि जैसे ज्योति हम लोग सोचते हैं कभी कभी कि कुछ लोगों के गार्जियन ही संडे स्कूल कभी नहीं गए हैं, ना ही उनको ऐसा माहौल मिला कि संडे स्कूल क्या होता है, कैसे वहां सीखते हैं बच्चे, तो काफी प्रॉब्लम होता है उनको कि कैसे सपोर्ट करें उनको। उनके लिए तो लगता है कि सिर्फ कॉलेज जाना, बच्चों का ट्यूशन पढ़ना और वो पढ़ाई कर रहे काफी है। क्या एक आप उनको मोटिवेट करने के लिए कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों के लिए आप आगे आए, भले वो कभी लाइफ में नहीं देखे होंगे संडे स्कूल, आप मोटिवेट करके थोड़ा उनको भी समझ में आए कि हाँ बच्चों को भेजना चाहिए। खैर तो वैसे माता पिता जिन जो अपने लाइफ में, अपने जीवन में संडे स्कूल नहीं जा पाए, और मुझे नहीं लगता है कि वे संडे स्कूल के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उत्साहित करना चाहती हूँ कि संडे स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को हम सीख पाते हैं, परमेश्वर के बारे में, उसके वचनों के बारे में सीख पाते हैं। और जब बच्चा छोटे से ही
नर्सरी लेवल से ही जब संडे स्कूल आने लगता है तो उनका हम ग्रेजुअल जो डेवलपमेंट होता है, एक अंसंस्कार के जो उनमें परिवर्तन आना चाहिए, उन बातों को हम देख सकते हैं। और एक संडे स्कूल में आने वाला बच्चा और नहीं जो संडे स्कूल नहीं आता है, उनमें आप अच्छा खासा फर्क आप अंतर कर सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जैसे आप बोले कि फर्क पड़ता है, लेकिन कुछ लोग देखते हैं कि संडे स्कूल जाते हैं और संडे स्कूल नहीं भी जाते हैं, लेकिन बदमाशी दोनों कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि मतलब वो लोग कभी कभी डाउट में रहते हैं कि अरे जो संडे स्कूल जाता है उनका भी लाइफ वैसे ही है, जो संडे स्कूल नहीं जाते उनका लाइफ भी वैसे ही है। तो आप कैसे उनको मतलब कुछ क्या बताना चाहेंगे कि क्या ये जरूरी है उनके लाइफ में कि वो संडे स्कूल जाए चाहे नहीं जाए, उनके परिवर्तन क्यों नहीं आता है कहीं 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 ऐसा? हाँ, ये हम अपने आसपास में एक सामान्य बात देखने पाते हैं। कभी कभी हम देखते हैं जैसे संडे स्कूल, जैसे आपने कहा, क्वेश्चन को मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ, तो मुझे मेरे विचार से ये लगता है कि जो संडे स्कूल आ चुके हैं वैसे बच्चे, उनको सारी अच्छी बातों को बता दिया गया है और उनको इस बात का ज्ञान दिला दिया गया है कि कौन सी बातें सही है और कौन सी बातें गलत है। तो अगर उसके बाद भी वो उन बातों को करता है तो खैर वो अपने जो उम्र या मानसिक लेवल में जो उनकी जो चुनौतियां होती हैं मानसिक तौर पे, उससे वो फेस कर रहा होता है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि जब वो संडे स्कूल आने लगता है, जब वो आ चुका है, तो वो परमेश्वर के संरक्षण में आ चुका है और पूरी रीति से वो परमेश्वर के निगरानी में है और कभी ना कभी वो उसका जीवन बदलेगा ही, और परमेश्वर अनसंस्कार के बदलने वाला परमेश्वर है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि उनके जीवन में उन बातों की उम्मीद हम कर सकते हैं जो कि हम अच्छे चीजों की उम्मीद कर सकते हैं। जी बहुत बढ़िया, आपने इतनी अच्छी बातों को बताया और मुझे लगता है कि सारे सवाल क्लियर हो गए, लेकिन एक सवाल मेरे मन में भी आया और वो जवाब भी आ गया है। वो सवाल कुछ इस तरह कि कुछ बच्चों के अंदर में ना शर्म जैसी बात होती है, डरते हैं वो कि आखिर संडे स्कूल हम जाएंगे, कहीं प्रार्थना करने के लिए तो नहीं ना कह दिया जाए। मुझे भी जब प्रार्थना करने के लिए कहा जाता था जब मैं छोटा था तो चेहरा छिपाता था, कहीं दादा मुझे तो ना कह दे कि चलो सत्या प्रार्थना करो। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि धीरे धीरे चीज को मैंने फेस किया और एक बार में कुछ नहीं होता, धीरे 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 करके अंश हम बदलते जाते हैं। परमेश्वर का यह अनुग्रह है और आप भी विश्वास करें, संडे स्कूल मैं विश्वास करता हूँ किनके लिए है आप लोग जान गए होंगे, अब कोई डाउट नहीं है क्योंकि दिल की बात दिल में ना रहे इसलिए हमें इस शो में लाया बुलुंडू टीवी में। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति, और जब हम लोग दोबारा कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे आपको बुलाएंगे। आप आएंगे ना? जी जरूर, बिल्कुल आइएगा, क्योंकि हमें जरूरत है ऐसी निचोड़ बातों के लिए जो हर एक के दिल में रहता है एक सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन हमारे साथ लाइव रिपोर्ट देने के लिए। हम लोग फिर मिलेंगे अगली बार बुलुंडू टीवी में एक नए शो और नए टॉपिक के साथ और एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। शायद आप बैठे बैठे बोर हो गए होंगे, तो आइए हम एक एक्शन सॉन्ग को करते हैं। सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। प्रभु
आइए हम और एक गीत गाते हैं जो हमें मिलता है रिवाइवल सॉन्ग नंबर 1146। रिवाइवल सॉन्ग नंबर 1146। एक बार फिर से सब लोग को यीशु साहब, मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँ जो इतने समय तक हमारे ऑनलाइन संडे स्कूल में बने हुए, और ख़ासकर मैं उन लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो हम जिन्होंने हमारा सहयोग किया इस संडे स्कूल को चलाने में, इस ऑनलाइन संडे स्कूल को चलाने में, चाहे सहयोग राशि दिया या फिर किसी प्रकार का सहयोग किया, मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आइए संडे स्कूल को ख़त्म करते हुए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। अंतिम प्रार्थना करते हुए हम लोग, चलिए हम आँखों को बंद करेंगे, आँखों को झुकाएंगे और हाथों को जोड़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित अनुकारी पिता परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता,
हाँ प्रभु जी, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, निश्चय ये आपकी इच्छा थी कि हम यहाँ पर आए पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा को करें, आपके गीतों को करें पिता परमेश्वर, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, इस ऑनलाइन संडे स्कूल के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ये आपकी कृपा थी कि हम इस ऑनलाइन संडे स्कूल को कर पाते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जितने लोग इस ऑनलाइन से के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, हम पिता परमेश्वर उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहेंगे। हाँ पिता परमेश्वर, तो उनको आशीषित कर उन्हें बरकत दे पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, उन्हें दे यदि किसी के परिवार में पिता परमेश्वर किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, किसी प्रकार का संकट है पिता परमेश्वर, तो उन सारे परिवार के लोगों को पिता परमेश्वर आशीषित कर बरकत दे पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी से तूने बचा के रख पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, अगर किसी का सेहत किसी का तबीयत खराब है पिता परमेश्वर, तो उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, तू उन्हें चंगाई दे। हाँ पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के लहू के बहाने के द्वारा हम चंगे होते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, अपनी चंगाई को उन्हें दे पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, खासकर हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपना सहयोग हमें दिया है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम रोशन हंस दा का पिता परमेश्वर धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने अपना सहयोग पिता परमेश्वर सहयोग राशि देकर हमें पिता परमेश्वर हमारी मदद की है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम हरो परिवार का भी धन्यवाद देना चाहेंगे, तो उन्हें आशीष दे बरकत दे पिता परमेश्वर। देखिए पिता परमेश्वर, जिस भी भंडार से उन्होंने हमें सहयोग किया पिता परमेश्वर, उन भंडार को हमेशा भरा पूरा रख। हाँ पिता परमेश्वर, खासकर अनु लकड़ा का पिता परमेश्वर, उन्हें भी पिता परमेश्वर आपके हाथ में समर्पित करते हैं, तो उन्हें बरकत दे आशीष दे पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जिस भी भंडार से वो पिता परमेश्वर हमें सहयोग देते हैं पिता परमेश्वर, तो उन्हें आशीषित कर पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, होने दे कि जिस प्रकार हम इस ऑनलाइन संडे स्कूल को करते आ रहे हैं पिता परमेश्वर, आने वाले समय में पिता परमेश्वर हम एक दूसरे के साथ इस तरह से बने रहना पाए पिता परमेश्वर, आपकी महिमा को करना पाए, आपकी गीतों को गाने पाए पिता परमेश्वर। होने दे पिता, आज जितने लोगों ने आपके वचन को दिया है पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने इस गीत को गाया है पिता परमेश्वर, हर एक लोगों को पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, तो उन्हें भी पिता आशीष दे बरकत दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी सहभागिता में बने रहने पाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, तू तो सारी बातों को जानने वाला परमेश्वर पिता परमेश्वर, हमारे बोलने से पहले तू जानता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तू भली भांति जानता है पिता परमेश्वर कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या उचित नहीं है। हाँ पिता परमेश्वर, जो बातें हमारे लाभ के लिए हैं पिता परमेश्वर, तू उन्हें हमें दिया कर पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, एक बार फिर से पिता परमेश्वर नाम बार नाम सब बातों को सारी चीज़ों को आपके हाथ में सौंप देते हैं, और यह दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सदा सुनना प्रभु जी, और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करना, आमीन। ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और हमारे प्रभु कृष्ण की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ रहे, आमीन। यीशु सहाय। एक बार फिर से सबों को यीशु सहाय। इतने देरी ऑनलाइन संडे स्कूल में बने रहने के लिए मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे कि मेरे प्रिय आप लोग जान रहे हैं, हम इस वक्त लॉकडाउन की स्थिति में एक दूसरे मिल नहीं पा रहे हैं, चर्च नहीं जा पा रहे हैं, संडे स्कूल भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर का बहुत ही अनुग्रह, बहुत ही कृपा रही कि हम इस ऑनलाइन संडे स्कूल को कर पा रहे हैं। यदि मेरे प्रिय आप लोग चाहते कि इस संडे स्कूल को, ऑनलाइन संडे स्कूल को हम और बेहतर करें और अच्छा करें, और इसमें चाहते कि आप अपना सहयोग दें, तो आप अपना सहयोग राशि के तौर पर हमें भेज सकते हैं। अपना सहयोग राशि आप दिए गए पेटीएम फ़ोन नंबर पर और यूपीआई नंबर पर भेज सकते हैं। इसके लिए हम बहुत ही आभारी रहेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे। धन्यवाद। यदि आप लोगों को हमारा संडे स्कूल अच्छा लगता है, हमारा इंटरेक्शन अच्छा लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। तब तक के लिए सब हमको इसी तरह।